बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ आपका दोस्त दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 25th क्रिसमस का दिन है और हम इधर खड़े हुए हैं अपने गैरेज के सामने। अभी थोड़ी देर में आमर आएगा और उसको छोड़ने जाना है एयरपोर्ट। ये आमर आ गया अपनी गाड़ी लेकर। एमिरेट्स एयरलाइन का मॉडल खड़ा हुआ था हीथ्रो एयरपोर्ट के पास। हीथ्रो टर्मिनल 3 पे हम पहुंच गए हैं और जा रहे हैं डिपार्चर की तरफ। और आमर जा रहा है एमिरेट्स एयरलाइन में। कह रहे हैं ये हीथ्रो एयरपोर्ट से फ्लाइट जा रही है दुबई के लिए एमिरेट्स की, ये फुली बुकड है। तो क्या मैं कोशिश कर रहा था कि उसको लॉन्ग लेग वाली सीट मिल जाए, पर वो किसी सूरत में उसको नहीं मिल रही। और आमर अब डिपार्चर के लिए रेडी है, हैंड कैरी और ये बैग। ओके, अल्लाह हाफिज़। जल्दी आ जाओ बेहतर थी। वजह भी कि होने रश बहुत हो जाए। चलो खैर, इतना जाओ। आमर का हमने ड्रॉप कर दिया और जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। एक खातून मिल गई थी, वो कह रही थी कि मेरा सामान जो है वो एयरलाइन के चेकिंग तक पहुंचा दें। मैंने बच्चा उठाया, मैं उसकी हेल्प करने चला गया था। अब जा रहा हूँ मैं पार्किंग की तरफ। भाई हमारे ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके होंगे। हीथ्रो में बस सर्विस चल रही है और बाकी यूके में बस सर्विस और ट्रेन सर्विस बंद है क्रिसमस की वजह से। पार्किंग के चार्जेस हैं 850 बना। मुझे नहीं लगता कि हम आधे घंटे तक खड़े होंगे। 850 बना। ऑटोमेटिक यहाँ से पे किया था और इस मशीन को पता था कि इधर से इस गाड़ी ने पे किया हुआ है, इसलिए गेट खोल दिए हमने। टाइम हुए हैं अभी 4 बजने वाले हैं और अंधेरा शुरू हो गया। हीथ्रो से निकलते हुए टनल सी आती है और टनल निकलते ही आपको सामने एमिरेट्स एयरलाइन का ये डमी सा एरोप्लेन नज़र आएगा। अभी तकरीबन हम यहाँ से 30 या 35 मिनट में इंशाल्लाह घर पहुँच जाएंगे। बिजी तो होगा नहीं क्योंकि आज क्रिसमस का डे है और रोड ज़्यादा बिजी नहीं है। एयरपोर्ट से निकले तो इर्द गिर्द कोई ना कोई जहाज उड़ता हुआ नज़र आता, लैंड करता हुआ या टेक ऑफ करता हुआ, पर आज कोई भी नज़र नहीं आ रहा। शायद बादल नीचे हैं इसलिए। हीथ्रो एयरपोर्ट का ये फ़ायदा कि हमारे ये हाईवे कम हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन आधा घंटा लगता है। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम गेट पर गए थे स्पेन जाने के लिए और गए थे उधर बल्गारिया और लुटन एयरपोर्ट से गए थे, वो तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा लगता है एयरपोर्ट जाने के लिए। लेकिन हीथ्रो हमें काफ़ी सूट करता है अगर कहीं ट्रैवल करना हो। पर हीथ्रो में अक्सर जो टिकटें हैं वो थोड़ी एयर टिकट जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं बनिस्बत गैटविक स्टैनस्टेड और लुटन एयरपोर्ट से।
4:11 हुए हैं, हम एयरपोर्ट से तकरीबन 3:52 से निकले थे, 52 या 53 पे, और ये देखें तकरीबन 20 मिनट में हम हाईवे पर पहुँच गए हैं। क्योंकि तो रोड बिल्कुल ही बिजी नहीं थी आज, बिल्कुल बिजी नहीं थी। नॉर्मली कई दफ़ा यहाँ पहुँचते 45 से 50 मिनट लग जाते हैं। तो ये जंक्शन हाईवे का राउंड अबाउट ये बहुत ही बिजी होता है, और यहाँ पर एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही इस टाइम। घर हम पहुँच चुके हैं, और पीछे देखें वो क्रिसमस लाइट नज़र आ रही हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस। बहुत लोगों ने अपने घर काफ़ी खूबसूरती से सजाए हुए हैं। अभी बारिश शुरू होगी नहीं तो यहाँ से वॉक करते हुए जाते और देखते कि किन किन लोगों ने अपने घर को डेकोरेट किया हुआ क्रिसमस की वजह से। उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।